उन पुलिस वालों की वजह से सब बेकार हो गया। पता नहीं आज सुबह किसका चेहरा देखा। मजा आ रहा है। चलो चलो अरे यार ये पुलिस वाली वापस आ गई। फादर आ रहे, दूर रहना पड़ेगा। तुम्हें कितने बार बोलो, फायदा ही नहीं है। इस कॉलेज में तनख्वाह कम मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि तू यहाँ टाइम पास करते ही रहो। फादर एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ कि नहीं, मैं ऐसे बॉल नहीं डालना करके सिखा रहे थे लड़कियों को, और तभी आप सामने से आए तो इसलिए बॉल आपके सर पे लग गया। अच्छा तो एक काम कर, वो बॉल उधर देना, जल्दी देना। लीजिए लीजिए बॉल। अच्छा ये बॉल पकड़ो, पकड़ो ना तू एक ही बार। ये बॉल को बास्केट में डालना। जरूरी है क्या? डालना तो डालना है बस। ओके लो पकड़ो, तुम डालो। वो नहीं, तू ही डालना, तू ही डालना। मुझे दो, लो डालो, जल्दी डालो इसको। बच्चे देख रहे हैं, बेइज्जती मत करो फादर। जो कोई शर्म है क्या? नहीं डालो, इस बार कैसे भी बास्केट में गिर जाना। लगता बॉल में हवा नहीं है। तुमसे ये नहीं होगा भाई। अरे देखो टाइम एक घंटे से ज्यादा हो गया, तू एक बार भी बाल नहीं डाला। मैं कोच हूँ, मेरी ऐसी बेइज्जती मत करो। तो क्या कोई कोच है? फादर वो बास्केट थोड़ा बड़ा कर सकते हैं क्या? क्या बड़ा करना है? अगर बास्केट बड़ा करे तो शायद घुस जाए। ओ माय लॉर्ड, गाली मत दो फादर। हेलो हेलो, हाउ आर यू? हेलो एवरीबॉडी। ओ, तू यहाँ पे था क्या? हाँ। बॉल उनको दे दो, वो खेलेंगे। तुम्हें इंटरव्यू करने के लिए चैनल वाले लोग आए हैं। ओके, वैसे इंटरव्यू के लिए चैनल वाले आए हैं। ओके बाय। ओए कोच, बॉल डाला जा, दे दो दे दो। चलो बच्चे, लो बच्चों अपने आप प्रैक्टिस करो। उस कोच से कोई फायदा नहीं होगा, उससे भरोसा करके तुम्हारा लाइफ बिगड़ेगा। गुड मॉर्निंग अंकल। बोलो क्या बात है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कहाँ जा रही है? इधर आना। मत छुओ मुझे, छोड़ो प्लीज। तू अभी तक उसे भूली नहीं है क्या? तू मेरे बारे में जानती है ना? कैसे भी हो मैंने फैसला कर लिया है, आज के बाद फिल्म देखने के बाद उसका रिव्यू कुछ नहीं करूंगा मैं। क्यों, ठीक है ना?
मैंने जो बोला ना वो इंग्लिश फिल्म। अरे हाँ बिल्कुल, हाँ देखिए देखिए। ऐसे लग रहा है जैसे तबले को किसी झोले में डाल के ले जा रहे हैं। कहीं तो जाना पहचाना लग रहा है ना। क्यों रे, नहीं याद आ रही क्या? हाँ हाँ, हमें मिले बहुत दिन हो गए ना, अचानक देखते ही। अंदर आओ ना। फोन भी नहीं किया और सरप्राइज विजिट दे दी तुम। हाँ यही तो मीरा का स्टाइल है, किसी की अपेक्षा ना करके उनके घर जाना ही मीरा का स्टाइल है, उसी में थ्रिल है ना। प्रेम कहाँ है अंजना? हेलो मीरा, कहाँ चल रही है? मुझे अर्जेंट स्टूडियो तक जाना था, एक डबिंग कंप्लीट करनी थी, अगर आप इजाजत दे तो। इसमें क्या है, नो प्रॉब्लम। मैं तो अंजना से मिलने आई थी। तेरी डांस क्लासेस कैसे चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। साउथ इंडिया का कोई भी प्रोग्राम रहेगा उसमें मीरा का डांस जरूर रहेगा। चैनल की कोरियोग्राफी करती है क्या? हाँ करती हूँ ना। बहुत पैसा मिलता है, नजर मत लगाना। ठीक है, तुम लोग बातें करते रहो, मैं चलता हूँ। तुम जा रहे हो? ये ऐसे ही है, घर में कोई गेस्ट आता है ये ऐसे ही बिजी हो जाते हैं। तुम लोग दोनों मिलके बातें करते रहो, मैं जाके तुरंत आ जाता हूँ। तुम्हारी बातें खत्म हो जाएगी तब तक आ जाऊंगा मैं। हाँ ठीक है ठीक है। क्या हो रहा है, तेरी फोटो से ज्यादा तो मामूटी की फोटो लगी हुई है। अरे उसके बारे में कुछ मत बात करो, सुपरस्टार मामूटी तो इनके जान है, बहुत बड़े फैन है। और तेरे को? मुझे तो शाहरुख खान पसंद है, इनको फिल्मों में चांस देंगे करके उन्होंने कहा था और प्रॉमिस भी किया था। एक्टिंग का शौक भी है क्या? उनको तो बचपन से ही है, एक्टिंग का मौका ढूंढते ढूंढते 2-3 साल ऐसे ही खराब कर लिया उन्होंने। फिर पाठ कथा लिखने के लिए गए, फिर उसके बाद हम लोगों की मुलाकात हुई और उसी की वजह से तुमको एक अच्छा पति मिला ना। अच्छा तुम्हारी फैमिली की प्रॉब्लम क्या हुई? वो तो चल रही है, हम दोनों डाइवोर्स ले लिया है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, शादी करने के बाद ही मर्द का असली रूप औरतों के सामने आता है। तो तुम्हारा बेटा? हाँ, वो तो उसका बेटा है ना, हमने तो मना कर दिया। तो तू अकेली चाहिएगी क्या? इतनी भी पागल नहीं हूँ मैं, उससे भी एक अमीर आदमी देके उसे शादी कर लूंगी और उसके सामने जी के दिखाऊंगी। इस जनरेशन में परेशानी की बिना कोई फैमिली नहीं है, पता है? हाँ, इस विषय में तेरा परिवार बहुत लकी परिवार है। ये इस समय क्यों फोन कर रहा है? अरे भगवान, नहाने के बाद बहुत मजा आ रहा है। सॉरी अंजना, मैंने ये सब जानबूझ के, लगता है सब गलती से हो गया है। आजकल के जमाने में ईमानदारी से रहना भी मुश्किल हो गया है। अरे वो अपना सिजो है ना, वो बोलता है यहीं खाना खाएगा, मैं क्या कर सकता था। वो आया इसलिए, मुझसे मत नाराज होना प्लीज प्लीज। सच में बोलूं तो आज मेरा बहुत मूड कर रहा है, मालूम है? पहले तुम उठो और जल्दी खाना लगाओ, पहले खाना परोसो नहीं तो हमारा काम नहीं होगा। जाओ, उनको भेज देंगे तो पूरी रात बैठ के मिडनाइट मसाला देखेंगे, जाओ। फोन क्यों नहीं उठा रहे हो?
वो शशि है, रात में फिल्म देखने के लिए बुला रहा, बहुत परेशान कर रहा है। हमेशा कहते हो परेशान करता है और अपने साथ ही रखते हो। हा? क्यों, ठीक बोली ना? देखा अंजना, तुम्हारे फ्रेंड के जोक सुनते सुनते टाइम के सभी तक पता ही नहीं चला, देखा ना? वीना, कितनी देर से दूध गर्म है, जाके चल लो ना, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। अच्छा, चादर बिछा दिया क्या? हाँ बिछा दिया हूँ। चलिए, पत्नी बुला रही है। हा? क्या है बोला? नहीं, मैंने वैसे कौन है, सर्वेंट है? नहीं, मेरा हस्बैंड है। मैं उसका हस्बैंड हूँ, देखते ही समझ गया था। चलता दीदी। हाँ। चलो, दूध ठंडा हो जाएगा। चलो बेटा। हाँ, ठीक है, मैं चलती हूँ। मुझे भी टाइम हो गया, मैं भी चलती हूँ। अच्छा, बाय, गुड नाइट। बाय अंजना, गुड नाइट। हाँ, क्या हुआ, बहुत भूख लगी है क्या? बहुत भूख लगी है। अच्छा, प्रेम कहाँ है, दिखा नहीं? आएगा आएगा वो। हाथ धोने के लिए? हाँ, धो के आइए ना। ओके। अरे, इससे पहले तुमने शुरू कर दिया। तू कहाँ था, मैं तो खा लिया। एक कॉल आ गया था, इसी के लिए बात करते रह गए। आप बैठ के खाना खा के आओ। हेलो, वॉश मशीन इधर है। अच्छा, यहाँ पे। हाँ, ओके। वैसे खाना बहुत स्वादिष्ट था, मैं कहे बिना नहीं रह सकता था। आज तक मैंने इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया था। शादी से पहले ना, तुम्हारा पति कितना दुबला पतला था, बिल्कुल एक लकड़ी की तरह था। वो तो मैं भी जानती हूँ। अभी भी वैसा ही है। शादी का एल्बम देखोगे क्या? एल्बम है क्या? ठीक है, फिर वो देखते है ना।
मजाक उड़ाऊंगा ये सोच कर ही इसने अभी तक मुझे एल्बम नहीं दिखाया। अरे ये तो हद पार कर रहा है। अरे ताजे केले आए हैं, खाओगे क्या? मैंने केला बहुत खाया, अब तू खा। मैं तेरा वेडिंग एल्बम जरा देख लेता हूँ। ये क्या बात है? तूने अभी तक खाना नहीं खाया? तो ठीक है मैं निकलता हूँ। अबे रुक जाना, मैं खाना खा के तुझे छोड़ दूंगा। यार वक्त बहुत हो गया है, अंजना छोड़ देगी मुझे। तुम आराम से बैठ के खाना खाओ, तुमने दारू भी पी रखी है जानते हो ना, मैं छोड़ के आती हूँ। ठीक है चले। ओके। अरे रोटी दो और खा लेना। अंजना आजकल की चपाती में ना गेहूं नहीं सिर्फ मैदा भरा हुआ है, मैदा। अच्छा अकेली ड्राइव कर लेती हो क्या तुम? अच्छी लगती है मुझे, बहुत अच्छी लगती है। तो चलो चलते हैं। ये तो रोज का काम हो गया है, रात होते ही घूमने निकलना। मुझे इस पर कुछ गलती दिखा रहा है ना? हमें ये सब ऐसे छोड़ नहीं देना चाहिए, इसकी जांच पड़ताल जरूर करनी चाहिए। हाँ।